तहस कैसे सब लोग कैसे रुको आवाज को खोलने दो मुझे सब लोग सबसे पहले थैंक यू सो मच तुम सब लोगों को थैंक यू इसलिए क्योंकि मिशन मिथपैट एक्स मिस्टर बीस्ट सक्सेसफुल रहा अगर तुम लोगों को नहीं मालूम कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो कुछ दिनों पहले मिथपैट ने मुझे वीडियो नहीं भेजा था मिस्टर बीस्ट ने मुझे वीडियो भेजा था मैं क्या बोल रहा हूँ यार आज रुको मेरा ब्रेन ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा चीजें All systems resetted, sir. Okay, कुछ दिनों पहले मिस्टर बीस्ट ने मुझे ये वीडियो भेजा था. Kasa ho, Mit Papai, Mr. Beast here. तो मिस्टर बीस्ट चाहता था कि उसका वीडियो मैं हिंदी में डब करूं. And ये मेरे लिए kind of एक सपना था. क्योंकि दो साल पहले ना मैंने ट्वीट डाला था. And उसमें मैंने मिस्टर बीस्ट को पूछा था कि क्या मैं उसका वीडियो डब कर सकता हूँ. And दो साल के बाद ये सपना सच हो गया. So of course ये वीडियो आ चुका है. तुम लोग अगर अभी मिस्टर बीस्ट के चैनल पे जाओगे, ये इसका लेटेस्ट वाइप रे 93 मिलियन सब्सक्राइबर्स. सब्सक्राइबर्स के मैं सब्सक्राइब में क्या बोल रहा हूँ आज 93 मिलियन व्यूज है इसके. भाई मेरे को कुछ तो केमिकल लोचा हुआ है दिमाग के अंदर. मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मेरा ब्रेन एंड माउथ का कनेक्शन लूज हो गया है. 93 मिलियन व्यूज चार दिन में आए हैं. आई थिंक ये मिस्टर बीस्ट का रिकॉर्ड वीडियो लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें मेरा आवाज है. तो हाँ, तो इस वीडियो में अगर आप यहाँ पे जाओगे लैंग्वेजेस में, यहाँ पे ऑडियो ट्रैक में आपको सिलेक्ट हिंदी नहीं करना. हिंदी में जो ओरिजिनल हिंदी वाला है ना, उसी का आवाज है. आपको सिलेक्ट करना है जुलू. अभी अभी हमें छोड़ा गया एक अबैंडन्ड सिटी के बीचों बीच और हम यहाँ पर सात दिन बिताने वाले हैं. और वो गया हमारा इकलौता हेलीकॉप्टर. अभी हमें छोड़ा गया एक अबैंडन सिटी के बीचों बीच और हम यहाँ पर सात दिन बिताने वाले हैं. और वो गया हमारा हेलीकॉप्टर. सो ये पूरा 17 मिनट का वीडियो मैंने डब किया मिस्टर बीस्ट के लिए. एंड मैंने तुम लोग को बोला था कि यार सुनो, मैं चाहता था कि मिस्टर बीस्ट हमारी पावर देखे, पैटीज की पावर, #पैटीज की पावर. तो मैंने बस तुम लोग को बोला कि यार सुनो ना, 30,000 कमेंट्स कर दो इस वीडियो पे. ओके, मैंने इतना बोला तुम लोग को. दिस वॉज मिशन मिस्टर बीस्ट एक्स मिथपैट. ओके, बट तुम लोग ने कुछ तो और ही कर दिया, विच इज गुड. ओके, मैं बताता हूँ क्या किया. तो तुम लोग ने जिस दिन मैंने मेरा अनाउंसमेंट वीडियो डाला था, उस दिन तुम सब लोग ने जाके मिस्टर बीस्ट का ये जो प्रीवियस वीडियो है फेस योर बिगेस्ट फियर, इस पे जाके नीचे कमेंट करना चालू कर दिया, ये नया वीडियो आने से पहले ही. एंड मुझे क्लियरली याद है ओके, कि इस वीडियो पे थे टोटल 180,000 कमेंट्स मैं वीडियो डालने से पहले. एंड जैसे मैंने वीडियो डाला, इस वीडियो पे है 222,000 कमेंट्स. मतलब उधर ही कुछ 30,000-40,000 कमेंट्स तुम लोग ने कर दिए थे. तो मेरे लिए वो बहुत क्रेजी चीज था, क्योंकि तुम लोग ने जो किया उसके वजह से मेरा जो ये अनाउंसमेंट वीडियो है उस पे नीचे मिस्टर बीस्ट ने खुद कमेंट किया, लेट्स डू इट भाई साहब. ये सब होने के बाद ऑफ कोर्स मैं डब करने गया था. मैंने वहां पे 8 घंटा डब किया. डिफिकल्ट होता है भाई, सच्ची में बहुत डिफिकल्ट होता है. 2-3 बार सेम टेक देना पड़ता है, गला सूख जाता है, एसी बंद रहता है. यार मुझे नहीं मालूम था कि डब करते वक्त एसी बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो एसी का आवाज आता रहता है उसमें. तो ये सब करने के बाद मैं जस्ट होप कर रहा था कि फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा है. एंड फिर ये वीडियो आया, आई सर्वाइव 7 days इन एन अबैंडन्ड सिटी. एंड मैंने जो तुम लोग से रिक्वेस्ट किया था कि यार प्लीज जाके 30,000 कमेंट्स कर दो, तुम लोग ने ये चीज एक दिन के अंदर कर दी. मेरे को लिटरली मिस्टर बीस्ट के टीम का मैसेज आया, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स, 14% कमेंट्स कंटेन मिथपैट, और ऐसे हाथ ऊपर डालने का इमोजी. मतलब सोचो 150,000 कमेंट्स है यहाँ पे, उसका 14% कितना हुआ, 10% मतलब 15,000, 14% मतलब मोटा मोटी 20,000 कमेंट्स. उसमें तुम लोग ने फुल मिथपैट बोला है, इसलिए थैंक यू सो मच दिल से. मुझे लगा नहीं था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा. मैं जब ये देख रहा था भाई, अलग फील आता है यार, कि देखो मैं ना हमेशा से तुम लोग के लिए प्यार से वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, फुल दिल से. ओके, आई स्वेयर, लाइक मेरा कभी भी यूट्यूब से ये नहीं था कि यार मुझे पैसा कमाना है, या फिर मुझे वो होता है ना इविल यूट्यूबर्स, कुछ होते हैं, मैं बता रहा हूँ. मतलब डोंट वरी, मेरे दोस्तों में कोई नहीं है इविल, बट इविल यूट्यूबर्स होते हैं कि अभी मैं यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस डालूंगा, मेरे को 2-3 million सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, फिर उन सब्सक्राइबर्स को मैं कोर्सेज बेचूंगा, और फिर मैं वैसा नहीं हूँ. मैं बहुत सीधा साधा यूट्यूबर हूँ. मुझे बचपन से ही वीडियोस बनाना बहुत पसंद था, एंड इसलिए मुझे तुम लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने थे. एंड जब सामने से तुम लोग मेरे लिए ये सब करते हो, ये देखो ना क्या लिखा है, मथापट वॉइस इज अमेजिंग. ठीक है, चल जाता है. मिथपैट रॉक दिस डबिंग. मिथपैट हाय. मिथपैट्स वॉइस सूट्स मिस्टर बीस्ट वेल. मैं खुश हूँ कि तुम लोग को ऐसे लग रहा है कि मेरा आवाज वहाँ पे सूट हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने खुद डब किया है, तो मुझे तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है. आई नो, क्योंकि मेरा ही आवाज है यार. मतलब मिस्टर बीस्ट का वो जो आवाज है कि आज मेरे पास ये है और फिर मैं वो करूंगा और फिर मैंने पानी पिया और पानी में मुझे $10,000 मिले, वो वाला आवाज जो है मिस्टर बीस्ट का और मेरा जो ये वाला आवाज है उसमें बहुत फर्क है. तो मुझे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट तुम लोग ने जब ये कमेंट्स लिखे मेरे को बहुत अच्छा
लग रहा था। मुझे एक और चीज के मैं बात करना था, आई डोंट नो करना चाहिए कि नहीं, बट आई डोंट नो क्यू, लेकिन ट्विटर पे कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा डब बकवास है, विच मे बी ट्रू। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं प्रोफेशनल डबर हूँ। डबर शब्द होता है क्या? डबर तो नहीं मालूम, डाबर मालूम है, टूथपेस्ट वाले होते हैं डाबर। So, मैंने जब ट्विटर पे अनाउंस किया कि मिस्टर बीस्ट का वीडियो मैं डब कर रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, बट लाइक ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस मिथपैट, सच अ गूज़बम्प्स टू हियर योर डब ब्रो। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। ये क्या है, ये तो नहीं पढ़ा। मिथपैट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ गुड वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड आई वुडंट बी सरप्राइज इफ ही डज दैट इन द फ्यूचर। क्या बात कर रहे हो यार, मुझे तो नहीं लगता मैं डबिंग कर सकता हूँ फ्यूचर में। लाइक आई डोंट नो यार, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा सुनने के बाद, बट रुको। लाइक ये देखो, ये हेट कमेंट नहीं है, बट मिथपैट भाई आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, बट आई फाइंड मिस्टर बीस्ट ऑफिशियल हिंदी डब कंटेंट मोर एंजॉयबल देन जुलू। व्हाइल आई अप्रिशिएट द एफर्ट पुट इनटू डबिंग, देयर इज सर्टेन ऑथेंटिसिटी एंड चार्म टू द ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज। देखो मैं अग्री करता हूँ कि हिंदी वाला जो वॉइस है वो उससे अच्छा ही है, बिकॉज वो कितने टाइम से डब कर रहा है यार, मेरे को तो आता भी नहीं है सब कुछ, बट मैंने मेरे साइड से कोशिश की है, एंड तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग वो वाला सुन सकते हो। मेरा बस टाइम पास के लिए आया यार, मिस्टर बीस्ट को भी मालूम है मेरे आवाज से क्या वीडियो नहीं चलने वाला, बोला टाइम पास के लिए डाला है उसने। ये देखो, TBH डिडंट लाइक्ड Zulu audio feels annoying. ये देखो, I have lot of respect for you, Mithpat, but honestly, speaking voice was not sync with video. I will say, don't dub. क्या don't dub? Okay, I won't dub. काफी गंदा साउंड कर रहा है भाई, आगे से मत ट्राई करना। अरे मैं देख यार, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था ये चीज। ओके तो चल जाता है यार, देखो मैंने मेरी साइड से कोशिश की। ओके एंड मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद आया, और एंड ऑल्सो बाय द वे गाइज, मिस्टर बीस्ट ने खुद इस ट्वीट के नीचे थैंक यू लिखा। सो यार अच्छा लगता है यार मुझे ये कि देखो यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंडियन यूट्यूब एंड इंटरनेशनल यूट्यूब जो होता है बहुत अलग अलग चल रहा है। ओके ऐसा नहीं है कि उधर का अच्छा है इधर का अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि भाई पूरा इंटरनेशनल जो व्यूज एंड ऑडियंस है ना पूरा, वो पूरा अपने इंडिया में ऑलरेडी है। अगर किसी ने मेहनत की तो इंडिया के अंदर भी वो बहुत बड़ा यूट्यूबर बन सकता है। बट माय पॉइंट इज कि मुझे बहुत ऐसा अच्छा लगता है कि यार ये सब जो यूट्यूबर्स है जिनको मैं देखता हूँ, ओके उनके साथ समहाउ इंटरेक्शन हो पाता है। लाइक 20 साल पहले तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं था कि अगर तुम लोग को शाहरुख खान के साथ बात करनी है तो तुम लोग उसको बस एक फेसबुक पे मैसेज डाल सकते हो, हे शाहरुख भाई कैसे हो, एंड वो रिप्लाई करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं था। बट इस चीज के बारे में सोचो यार, मिस्टर बीस 240 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब का शाहरुख खान है, एंड वो अगर यहाँ पे रिप्लाई दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ क्रेजी थिंग, क्योंकि ये दो वर्ल्ड्स एक साथ मिलना मुझे बहुत ऐसे क्रेजी लगता है। जब पिछले साल मैं अमेरिका गया था एंड वहां पे हम लोग ब्रेंट रिवेरा पियर्सन से मिले थे, एंड मैं एराक से भी मिला था वहाँ पे, तो इनको जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ यहाँ पे मुंबई में रह के, जब इनको यूट्यूब पे देखता हूँ वर्सेस लाइक एक दिन जाके उनको वहाँ पे मिलता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें बहुत ऐसी क्रेजी लगती है। सो आई थिंक इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, एंड इसमें तुम लोग को मुझे थैंक यू बोलना है, तुम लोग ने इतना आवाज़ किया। ओके आई एम श्योर मिस्टर बीस्ट को आवाज़ सुनाई दिया है। ओके लेट्स जस्ट होप कि एक दिन हो जाए वो कोलैबोरेशन विद मिस्टर बीस्ट। मुझे जाना है यार, मुझे US जाना है, एंड उसके साथ एक वीडियो बना के आना है। कुछ भी हो सकता है, तुम लोग एक्चुअली एक वीडियो आइडिया दो ना, मैं तुम लोग को सच बता रहा हूँ एक चीज़। ओके मैं ये शायद कर सकता हूँ मिस्टर बीस्ट के साथ, शायद कोलैब कर सकता हूँ। मुझे बस एक बहुत क्रेजी वाला वीडियो आइडिया चाहिए, ऐसा वीडियो आइडिया जो मिस्टर बीस्ट भी बोलेगा कि भाई ये किधर से ढूंढ के निकला, क्योंकि उस बंदे ने सब किया है यार। उसके लिए ऐसा कौन सा क्रेजी आइडिया मैं करूँ? तुम लोग के पास कुछ होगा तो प्लीज कमेंट्स में लिखो। ऐसा मत बोलो कि मिस्टर बीस्ट के साथ जाके प्लीज माइनक्राफ्ट खेलो, भाई चप्पल से मारेगा मेरे को वहाँ पे। एंड हाँ, हर बार तो मैं मिस्टर बीस्ट के वीडियो पे रिएक्ट करता हूँ, लेकिन आज करके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी सब मालूम है तुम लोग से पहले। मैंने तो ये वीडियो 10 दिन पहले ही देख लिया था, बट आखिर ये डब मैंने किया कैसे, ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। अभी अभी हमें छोड़ा गया है अबैंडन्ड सिटी के बीचों बीच, और हम यहाँ पर 7 दिन बिताने वाले हैं, और वो गया हमारा इकलौता हेलीकॉप्टर। आज छठे दिन की सुबह और हमने यहाँ पे जो भी किया है वो कमाल है। अभी अभी हमें छोड़ा गया है एक अबैंडन्ड सिटी के बीचों बीच, अब हम अगले साल करेगी तो क्या फायदा। अरे हिंदी में लिखा है, मुझे हिंदी इतना फास्ट पढ़ने को नहीं आता। आप लोगों को पता है मराठी चैनल चालू करते हैं, मजा आ रहा है तुम्हें। मैं जा रहा हूँ टेबल ढूंढने। ओके मैं जा रहा हूँ टेबल ढूंढने। मैं जा रहा हूँ टेबल ढूंढने। क्रिस ये देखो वो क्या सुन रही है। इस बिल्ली में जरा भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है।